तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपको अगर लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर है आपका, बाय द वे उसमें आपका प्राइवेट डाटा है, तो आपको बहुत ही जानने की ज़रूरत है ये ट्रिक। तो दोस्तों, ये शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें मैं 3 स्टेप बताऊँगा कि आप अपना डाटा कैसे बचा सकते हैं, अदरवाइज कोई खोल ना सके। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर सर्च बार में जाना है और कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद दो ये जो सिक्योरिटी एंड दिखता है सिक्योरिटी का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और विंडोज़ फायरवॉल पे जाना है। तो यहाँ पर आपको विंडोज़ फायरवॉल दिख रहा होगा, साइड में देखिएगा, आपको विंडोज़ फायरवॉल पे जाने के क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर रेड ऑप्शन, ग्रीन होंगे ये सारे, तो आपको रेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रखना है, ये रेड ग्रीन होंगे तो आपको रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपका पर्सनल डाटा है तो। और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद बस यही था हमारा एक प्रोसेस, आपको एक प्रोसेस समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, अदरवाइज़ आप उनको टिक मार्क ना कीजिएगा जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को इनेबल या डिसेबल नहीं करूँगा, अदरवाइज़ आपको ये बहुत ही कम यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपका डाटा कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट है, तो आपको यहाँ से कोई भी टिक मार्क लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपका कोई इंटरनेट वगैरह यूज़ ना कर सके तो यहाँ से आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पर ओके कर देना है और आपका वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आप यहाँ से वो जो डाटा हमने किया था वो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज़ जो चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है, आप चाहें तो इसकी पूरी जानकारी डिटेल पढ़ सकते हो यहाँ से कि मैंने क्यों किया ये। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपना डाटा बचाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके प्राइवेट कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में प्राइवेट डाटा होता है, तो आपको कोई डाटा ले ना सके, तो इसके लिए आपको फिर से मैंने वही सेटिंग बताई, आपको एडवांस सेटिंग सेंटर में जाना है। यहाँ पर आपको चेंज अडेप्टर सेटिंग मिलती है, आपको चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे। तो जैसे ही आप यहां पर स्क्रॉल करते हो, यहां पर फॉर TCP दिखता है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको यूज़ यहां पर एक कोई भी IP एड्रेस या फिर कुछ भी वगैरह पड़ा हो तो आपको यहां से, मैं बता देता हूं कौन सी IP एड्रेस जैसे कि पड़ी होंगी, तो यहां पर आपके IP एड्रेस वगैरह कुछ इस तरीके की पड़ी होंगी, ध्यान रखिएगा। और आपको वो IP एड्रेस हटा देनी है, ध्यान रखिएगा, आपको वो IP एड्रेस हटा देनी है जो भी IP एड्रेस यहाँ पर पड़ा हो, क्योंकि IP एड्रेस से क्या होता है कि आपका कोई भी डाटा कोई भी मतलब लेस कर सकता है, यानी कि ले सकता है अपने कंप्यूटर में आपका IP एड्रेस डाल के। तो आपको यहाँ से ये IP एड्रेस हटा देना है, ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से IP एड्रेस हटा देना है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।